नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आप लोगों का प्यार है कि हमारा एक्चुअली कोटा ख़त्म हो गया साल का, और बहुत बिजी हो गया हूँ मैं कि जो हमारे करंट क्लाइंट्स हैं उनके लिए काम करने के लिए। फिर भी मौका निकाल के आपको एक कर्नाटका का समरी दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी नोटिस आ गए, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले कन्फ्यूज मत होइए, कर्नाटका के एडमिशन्स इज़ ऑलवेज स्लाइटली ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। आप एक शब्द सुन रहे हो वेरिफिकेशन स्लिप फलाना ढिमकाना, जिसकी कोई खास अहमियत नहीं है, पर जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करते ना यूज़र आईडी पासवर्ड, उसके बाद एक वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है, फिर आपको एक की मिलती है, उसकी एक की कुछ नहीं एक नंबर ही होता है, फिर आप ऑप्शन एंट्री करती हो, फिर ऑप्शन एंट्री करने के बड़े स्पेसिफिक रूल्स हैं। तो उससे एक वीडियो आपको मेरे लास्ट ईयर के चैनल पर मिल जाएगा, अभी समय मिलेगा तो मैं फिर से बना दूंगा कि कर्नाटका का ऑप्शन एंट्री भी अपना आप में एक साइंस है, एक लॉजिक है, क्योंकि उसमें वन टाइम ऑप्शन एंट्री होती है, और जो भी आपको सीट मिल जाती है आप उसके नीचे वाली फिर आप सीट से एलिजिबल नहीं होते, और ऊपर वाले में भी एक लॉजिक चलता है। तो मतलब कर्नाटका का अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, वो मैं अलग से समझाऊंगा, पहले तीन चार वीडियो के बारे में बता देता हूँ। तो इस साल कर्नाटका के सर्वर में हमेशा इशू रहता है, तो उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई कि कुछ लोगों से रजिस्ट्रेशन पहले करा लिया, नीट से भी पहले। अब नीट से पहले रजिस्ट्रेशन कराने का दिक्कत ये हुई कि लोगों के पास वो तब नीट का रोल नंबर भी नहीं था, तो दो सेट के बच्चे हो गए ना, एक जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन करा चुके थे कर्नाटका, एक जिन्होंने अभी तक नहीं कराया। तो पहली जिन्होंने अभी तक नहीं कराया उनके लिए टाइम आ गया कल 7, 8, 9, 3 दिन में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब चूंकि आधा लोड इस बार ले लिया गया है पहले ही, तो थैंकफुली सर्वर्स कम क्रैश होंगे, वरना लास्ट ईयर तो एक एक बच्चे का हमें करने में 2-2 घंटे लग जाते थे। ये हो गया पहली चीज़ की दो सेट ऑफ बच्चे दोनों सेम है। अब देखिए, अगर आप स्पेशली कर्नाटका के बाहर के बच्चे हैं जो मेरे वीडियो सुन रहे होंगे, और अगर आप NRI वार्ड क्लेम नहीं कर रहे तो आपको कुछ नहीं करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। सॉरी, तो जो पुराने बच्चे थे क्योंकि उनके तो रिकॉर्ड में नीट का रोल नंबर था ही नहीं, तो उनको ऑप्शन दी गई है कि आप साइट पे जाके अपना रोल नंबर नीट का एंट्री करोगे, तो जब आप एंट्री करोगे आपको सारी डिटेल दिखाते हैं कि आप कितने मार्क्स आए हैं, कितने आपके ऑल इंडिया रैंक आई है, दैट मीन्स योर डेटा इज़ करेक्ट, वो मैच कर रहे हैं नीट के डेटाबेस से। और फिर आप अपना अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आप आपका नीट का रोल नंबर और स्कोर भी लिखा होगा। और जो नया लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे कल से, उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो पहले ही नीट के रोल नंबर के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो जो पुराने लोग थे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा रखा था, उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ नीट का रोल नंबर ऐड करना, सेम अपने यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ करके जो आपने पहले बना रखा है। जो कल से नया रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका ऑटोमेटिक सारा काम होगा। अब चाहे पुराने चाहे कल, अगर आप NRI वर्ल्ड क्लेम यस कर रहे हैं तो आपको KEA पहुंचना है अगले 3 दिन में 7, 8, 9, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि वेरिफिकेशन स्लिप आप लेकर जाइए, क्योंकि वो अभी NRI डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। देखिए, ऑनलाइन हम NRI डॉक्यूमेंट नहीं चढ़ाते हैं, तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो जो आपने यस किया उसको वो भी चेक करेंगे कि हाँ भैया, आप यस के लायक हो के नहीं हो, क्या आप NRI वर्ल्ड की सीट के लायक हो के नहीं हो। तो NRI के डॉक्यूमेंट हैं वो कि ऑफलाइन चेक किया जाता है पहले ही KEA के द्वारा, तो उसके लिए उन्होंने शेड्यूल दे दिया है कि भाई 7, 8 और 9 अगस्त को बच्चे पहुँचिए रैंक बाय रैंक। और देखिए, वेरिफिकेशन 2-3 लोगों के लिए मोस्टली, स्पेशली वो है जो सेंट जॉन्स का माइनॉरिटी क्लेम कर रहे हैं। तो अगर आप सेंट जॉन्स ऑल इंडिया कोटा की 10 सीटों के लिए फाइट कर रहे हैं तो नहीं जाना है, जो भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्लेम कर रहे हैं उनको साबित करने जाना है, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा जाना है वो जाना है NRI वार्ड को क्लेम करने के लिए, ठीक है ना। सो इन लोगों को 7, 8, 9 कल परसों तरसों बेंगलोर पहुँचना है, और NRI वार्ड जो क्लेम कर रहा है आई एम श्योर कि उस पर बजट की इशू नहीं है, तो जाइए। पर NRI वार्ड क्लेम करने के अलावा और सेंट जॉन्स क्रिश्चियन माइनॉरिटी करने के अलावा कोई टेंशन कोई पैनिक वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, जो पुराने रजिस्टर्ड लोग हैं अपना यूज़र पासवर्ड खोलिए, अलग लिंक दिया गया है उसमें जाके अपना नीट रोल नंबर बस ऐड डालिएगा, डेटा आ जाएगा, अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जो कल से करेंगे उनके लिए कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये है समरी कर्नाटका के जो पिछले 4-5 दिनों में अपडेट्स आए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कर्नाटका में 4 तरह की सीट होती है, 40% सीट हर स्टेट प्राइवेट कॉलेज में, जो कि गवर्नमेंट सीट होती है 1.5 लाख रुपये साल की, तो सिर्फ कर्नाटका डोमिसाइल के लिए होती है, और बहुत हाई फीस होती है। फिर मेरिट सीट होती है 11 लाख रुपये साल की फीस की, जिसको हम आपसे कहते हैं कि आपका काम 52-55 लाख में हो जाएगा मेरिटोरियस स्टूडेंट, इस साल वो बच्चे आप 570-580 प्लस होने चाहिए। 15% NRI वार्ड सीट और 5% ओ कोटा, NRI वार्ड और ओ कोटा की फीस बिल्कुल बराबर होती है, 28 लाख से लेकर 45 लाख पर ईयर जाती है। अक्सर सीट फीस भी नेगोशिएशन होती है, कुछ कॉलेज करते हैं, वरना कई जगह तो रामया जैसा तो लोग MRP भी दे रहे हैं सीट और लोग ले रहे हैं, ठीक है। NRI वार्ड का फ़ायदा ये होता है कि आपकी मेरिट अलग चलती है पहले 2 राउंड में, 3rd राउंड में NRI वार्ड सीट ओ कोटा बन जाएगी, और ओ कोटा में आप ओपन कॉम्पिटिशन में, तो जो मैंने पिछले 2 महीने की वीडियोज़ में आपको बताया, अगर आप NRI वार्ड के थ्रू जाते हैं फ़ायदा ये होता है कि आपकी मेरिट अलग है,
तो आपके सीट मिलने के चांस ज़्यादा हैं। अगर ये आप कम नंबर वाले बच्चे हैं जो टॉप कॉलेज की एजुकेशन चाह रहे हैं, सो कर्नाटका NRI वार्ड या ओ कोटा या मध्य प्रदेश NRI सीट्स, राजस्थान मैनेजमेंट सीट्स आर फ्यू ऑप्शंस जहाँ पर, बट ऑफकोर्स अगर आप 140-150 का बजट खर्च करने को तैयार हैं तभी आपको रियली अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो उन्हीं लोगों के लिए सब करना होता है, या आप 11 लाख की सीट के लिए एलिजिबल हैं अगर आप कम से कम 550 प्लस हैं, क्योंकि अगर आउटसाइडर हैं तो फ़ायदा ही नहीं है ना, उसमें तो कोई कोटा तो लगेगा नहीं। और एक और बात, अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड हैं तो फिर कर्नाटका की आप ये NRI और ओ कोटा की सीट के लिए भी एलिजिबल नहीं है, तो कैटेगरी क्वालिफाइड है तो कर्नाटका फॉर्म भरने की जहमत मत उठाइएगा, ओके। तो ये शॉर्ट समरी थी आपके लिए अबाउट कर्नाटका। मैं कोशिश अपने क्लाइंट्स को तो मैंने दे दिया व्हाट्सएप पे, मैंने कहा ना इनफॉर्मल सा ऑडियो रिकॉर्ड करके कि किसको यूज़ है किसको नहीं, ये आपके लिए बना दिया। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपके बाकी मित्रों को सही सटीक जानकारी मिले। और जैसा कि हमने कहा है कि वी आर एक्चुअली टेम्परेली वी हैव क्लोज्ड टेकिंग मोर क्लाइंट्स, पिछले दो दिन में से आप लोग जो भी फ़ोन कर रहे हैं आपको मैं वो पहली बात का समय भी नहीं दे पा रहा, क्योंकि अभी मैं खुद सेटल कर रहा हूँ जो हमारे करंट क्लाइंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, उनसे दोबारा तिबारा बात करना कि भाई क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, किस किस स्टेट में किस बजट में वो जाना चाहते हैं। तो वंस आई एम श्योर कि मैंने वो 90 क्लाइंट्स के लिए कर दिया है, एग्जैक्ट हम 90 पे रुक गए हैं, 100 तक भी नहीं पहुँचा हूँ मैं। और फिर अगर मुझे लगेगा, मैंने इसलिए पिछले पर संडे कल और आज का दिन सर्विस काम के लिए रखा है, और अगर मेरे को लगेगा कि हाँ भाई मेरे पास सब बैंडविड्थ है और 2-4-5 लोगों से बात करने की क्लाइंट लेने की, तभी हमारी मैम आपको टाइम देगी। आप में से कई लोग फ़ोन कर रहे हैं उनको समय भी नहीं मिल रहा बात करने का, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट क्या करें, हमेशा कहते हैं कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं, क्वालिटी काम करना चाहते हैं। जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं जो पेड सर्विस लेते हैं उनको मैं अपना पर्सनल टाइम देता हूँ, सारा काम पर्सनली करता हूँ, इंक्लूडिंग इवन फॉर्म भरना, तो इसलिए मेरे पास लिमिटेशन ही है ना। तो आप में से कई लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप इसे काम करना चाहते हैं पर मैं क्या करूँ, आई एम रियली सॉरी, ओके, बट बेस्ट विशेज, मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा आपके लिए कोशिश कर करके, ताकि आप लोग किसी और काउंसलर के साथ भी काम करा रहे हैं तो कभी कभार इस वीडियो के माध्यम से आप उनसे भी सटीक और सही सवाल पूछ सके, ताकि आपके काम में कोई गड़बड़ ना हो। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।